ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य डिंडोरी जिले में पीएम उज्ज्वला योजना में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी पीएम उज्ज्वला योजना में फर्जीवाड़ा उजागर होने के बाद कलेक्टर विकास मिश्रा ने जांच के बाद कार्यवाही का आश्वासन दिया है। दरअसल पूरा मामला ग्राम पंचायत खरगहना का है, जहां 30 से ज्यादा उज्ज्वला योजना की हितग्राही गैस कनेक्शन पाने के लिए करीब 5 साल से गैस एजेंसी के चक्कर काटने को मजबूर हैं। महिलाओं का कहना है कि उज्ज्वला योजना का लाभ दिलाने के एवज में करीब 5 साल पहले उनसे तमाम दस्तावेज व औपचारिकताएं पूरी करा ली गई थी, लेकिन 5 साल गुजर जाने के बाद भी उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल पाया। महिलाओं का कहना यह भी है कि योजना का लाभ दिए बिना ही उन्हें सरकारी दस्तावेजों में पीएम उज्ज्वला योजना का हितग्राही बना दिया गया है। खरगैना ग्राम पंचायत कार्यालय की दीवारों में बड़े बड़े अक्षरों में पीएम उज्ज्वला योजना के हितग्राहियों की संख्या 168 लिखा गया है, जबकि गांव में एक दो नहीं बल्कि 30 से भी अधिक ऐसी महिलाएं हैं जो पात्र होते हुए भी पीएम उज्ज्वला योजना के लाभ से वंचित हैं। महिलाओं का दावा है कि सरकारी दस्तावेजों में उन्हें उज्ज्वला योजना का हितग्राही तो दर्शा दिया गया है, जबकि उन्हें योजना का लाभ मिला ही नहीं। महिलाओं ने बताया कि करीब 5 साल पहले पास के गांव में पीएम उज्ज्वला योजना का शिविर लगाया गया था, जहां उनसे योजना के फॉर्म भरवाए गए और फिर गैस एजेंसी में आधार कार्ड, समग्र आईडी की कॉपी जमा कराकर केवाईसी के लिए थंब भी लगवा लिया गया, लेकिन 5 साल गुजर जाने के बाद भी उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल पाया। महिलाओं का कहना है कि इन 5 सालों में वे अपने गाँव से करीब 15 किलोमीटर दूर गाड़ा सरई कस्बे में स्थित गैस एजेंसी कई बार गई, लेकिन एजेंसी संचालक के द्वारा तरह तरह के बहाने बनाकर वापस लौटा दिया जाता है, जिसे हताश होकर अब महिलाओं ने एजेंसी जाना बंद भी कर दिया है। गांव की महिलाओं ने मामले की शिकायत सीएम हेल्पलाइन से लेकर जिला प्रशासन से भी की है। बारिश के मौसम में खरगहना गांव की महिलाएं गीली लकड़ियों को जलाकर धुएं के गुबार में खाना बनाने को मजबूर हैं। सुनिए उन्हीं की जुबानी। खरगहना से हैं हम, अहिल्या नाम है, खरगहना पंचायत से हैं। वो खाना बनाने का परेशानी है सर, गैस एजेंसी वाले गैस भरे थे हम लोग उज्ज्वल योजना के लिए, लेकिन मिल नहीं रहा है गैस। बार बार जाते हैं, बार बार भगा देते हैं कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसे करके। तो जो लाभ मिल रहा है वो लाभ हमको मिल नहीं रहा है। कागजों में मतलब आपको हितग्राही बना दिए रिकॉर्ड में? जी जी बना दिए हैं। सिर्फ हम अपने फैमिली से 3 हैं, मेरे पापा हैं और मेरे भैया हैं और मैं हूँ। क्या क्या चीज़ जमा किए थे आप योजना के लिए? जी योजना के लिए आधार कार्ड, समग्र आईडी जमा किए थे। और फिंगर भी लगवाए? जी फिंगर भी लगवाए हैं। तो आपको आपको आपके नाम से गैस मिल, नाम है उसमें लिस्ट में? जी लिस्ट में नाम है सर, आ भी गया है। हाँ। बुलवाए थे अगली बार आना तो ले जाना ऐसे करके, तो जब मैं गई तो बोलने लगे कि आपका पासबुक नहीं बना है, ऐसे करके बोलने लगे। फिर गई मैं तो फिर बोले कि आप कहाँ थे अगली बार, ऐसे करके बोल रहे थे। तो मैं ऐसे कितनी बार जाऊँगी मैं किराया भाड़ा करके, गरीब आदमी हैं हम लोग, हैं कितनी बार जाऊँगी। कितने दिन पहले आपने फॉर्म भरा था? जी 4-5 साल हो गए सर। तो कितनी बार जा चुकी आप एजेंसी? मैं बस इसी वर्ष नहीं गई हूँ, नहीं तो हर वर्ष गई हूँ, 4-4, 5-5 बार। तो सरकार की योजना कैसी है? अच्छा है, बढ़िया है, लेकिन हमको मिल नहीं रहा है तो हम क्या बताएं। तो आपके गांव में ऐसे कितनी महिलाएं हैं जिनको नहीं मिला है? ऐसे नहीं तो हमारे गांव में 10-15 महिला, 20 भी होंगे, ज्यादा होंगे, ज्यादा भी होंगे, लेकिन मैं अपने बता रही हूं अपने अंदाज से कि 20 भी होंगे। उनको 20 नहीं मिला? जी नहीं, नहीं मिला है किसी को। सब कागज वगैरह सबसे जमा करा लिए? जी, और मेरे साथ में और कोई भी है, बुला रहे थे, बोल रहे थे कि हमको भी नहीं मिला, हमको भी नहीं मिला, ऐसे करके। तो सब लोग इकट्ठा होना ऐसे करके मैं बोली हूँ, तो सब साथ में भी आए हैं, यही बहन आए हैं और भी हैं। इसकी शिकायत भी किए हैं, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं? जी नहीं, शिकायत किए हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है। उज्ज्वला योजना की फायदा तो मिल रही है लेकिन हमको नहीं मिल रही है, तो हम कैसे जानेंगे कि कितना अच्छा है और कितना बुरा है। खाना बनाने में तकलीफ होती है, धुआं होता है, बच्चे भी रोते गाते हैं कि धुआं की वजह से बाहर रहते हैं बच्चे, तो ऐसे कब तक रखें। परेशानी है, बारिश आ गई है, बारिश की वजह से भी आग जलती नहीं है, आग नहीं जलता तो खाना कैसे बनाएंगे। मजदूर करने वाले हैं, खेती बाड़ी जाते हैं, हैं तो खाना बनने में तकलीफ होती है, तो कब खाना बनाएंगे, तब कब खेती बाड़ी जाएंगे। बहुत दिक्कत आते है, लकड़ी झीटी भी नहीं मिले, जंगल जाथन था बंजरिया नहीं नानन दी, नान थन कैसे हो, लकड़ी झीटी तो जला थन तो बरसात में जला च नहीं, धुआं होता पूरा, धुंगा होता है। तो कितनी दिक्कत जाती खाना बनाने में? बहुत दिक्कत जाते है। सरकार ये योजना चला रही है, वो कैसी योजना है? दैच नहीं रही है ता।
योजना तो अच्छी है लेकिन लाभ नहीं मिल रहा है। लाभ नहीं मिले, योजना तो चलाते हैं खर लाभ नहीं मिले गैस की। चार पाँच साल है गई से खर मिल नहीं रहे हैं। कहाँ कहाँ गए आप गैस के लिए? यहाँ वहाँ कैंप लगा रहे हैं, यहाँ गीध हम तहाँ बुला रहे तो वहाँ गए, वहाँ से फिर गढ़ सर बुला रहे तो वहाँ गए, तो वह महीना माह कहें तो वहाँ गए तो वहाँ नहीं बल लाभ नहीं मिल पा रहा है। 50 करीब होंगे सर वो जल योजना की महिलाएं, उनको कोई लाभ नहीं मिल रहा है, परेशानी है महिला लोग। तो ये नाम दिखावे के लिए इनका नाम दर्शा दिए उसमें? और का दिखावे के लिए तो है ही, और का इसलिए तो परेशानी है, लाभ ही नहीं मिल रहा है महिलाओं को, परेशानी कुछ नहीं मिला इनको। खाओ को मिलता तो कहीं इतना परेशानी होते पर लोग। कागज आगे सब जमा करा, सब जमा है हम वहाँ एजेंसी में जमा है, पर उज्ज्वला योजना का कोई लाभ ही नहीं मिल रहा है महिलाओं को। क्या लगता है कि किसकी गलती है, किसकी लापरवाही है, योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा? गलती शासन का है और साहू का है उसमें एजेंसी वाला। हाँ एजेंसी वाला का, वो तो डांटता है महिलाओं को जाते हैं वहाँ, जैसे इसके बाप का है उसी प्रकार से डांटता है, वो डांट प्रकार भगाता है वहाँ। शिकायत भी आप लोगों ने की है, कहाँ कहाँ शिकायत की है? तो भाई अजय उसमें की है क्यासी में सर, और कहाँ करते क्यासी, तो वही परेशानी है महिला लोग, महिला लोग भी की है शिकायत, वो भी कोई फर्क नहीं होगा, यही समस्या है आपका। क्या नाम है आपका? दशरथ सिंह। वही पीएम उज्ज्वला में फर्जीवाड़े की पड़ताल करते हुए जब हम गाड़ा सराय स्थित साहू गैस एजेंसी पहुंचे और वहां मौजूद कर्मचारियों से खरगैना गांव की महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन नहीं दिए जाने को लेकर सवाल किया, तो एजेंसी में कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करने वाले शुभम ने हमें खरगैना गांव के करीब 50 कार्ड दिखाते हुए बताया कि ये कार्ड उज्ज्वला योजना के हितग्राहियों के लिए बनकर तैयार है लेकिन वे इसे लेने नहीं आ रहे। 5 साल गुजर जाने के बाद भी योजना का लाभ नहीं मिलने के सवाल पर कंप्यूटर ऑपरेटर ने सफाई देते हुए बताया कि तकनीकी समस्याओं के कारण खरगहना गांव में कई हितग्राहियों को कनेक्शन का वितरण नहीं किया जा सका है। हालांकि अब एजेंसी संचालक जल्द ही खरगहना गांव जाकर महिलाओं को गैस कनेक्शन देने की बात कर रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा कि खरगहना के ग्राम पंचायत के अंतर्गत महिलाओं के जो कनेक्शन हैं गैस कनेक्शन वो बन चुके हैं, कुछ महिलाओं के बाकी होंगे लेकिन मेरे पास अभी उपलब्ध बता रहा हूँ 50 से 60 महिलाओं के कागजात, जो मतलब उनके कागज़ हैं कंप्लीट SB विद पेपर विद बिल, और मेरे पास अभी मौजूद हैं और उनको मैं कनेक्शन बांट रहा हूँ। लेकिन ये महिला जो हैं जानकारी नहीं ले पाई होंगी उनके कनेक्शन के बारे में, या उनको पता नहीं होगा कि मेरा कनेक्शन बना कि नहीं बना, इसके कारण उनको जानकारी नहीं होने के कारण ये कनेक्शन अभी भी यहाँ रखे हुए हैं। कार्ड सामने आप देख रहे हैं ये सब पूरे खरगहना के? जी ये खरगहना के बने हुए हैं, जैसे ये कोती बाई कोई खरगहना की है, कोती बाई उनका फार्म मेरे हाथ में रखा हुआ है अभी ये। तो वो तो उनका कहना तो ये कि हम 5 साल से लगातार आ रहे हैं एजेंसी में लेकिन नहीं तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम या EKYC ना होने के कारण उनका विलम्ब थोड़ा सा लग गया है इसमें। तो कब तक इनको वितरण हो जाएगा? ये महिलाओं से संपर्क किया जाएगा, या महिलाएं स्वयं या उनके परिवार में कोई पुरुष हो वो उनका आधार कार्ड ला के यहाँ पे संपर्क करके उनका कनेक्शन की जानकारी ले सकते हैं। मतलब ये जल्द उन लोगों को मिलेगा? जिन बिल्कुल उनको मिलेगा, ये रखा हुआ है पूरा कागज़ बन के, इनके कागजात इनके सामान मतलब गैस टंकी चूल्हा पाइप रेगुलेटर जो उनको दिया जाता है उज्ज्वला योजना के अंतर्गत वो अपने पास सब रखे हुए हैं, अपन पूर्ण रूप से उसको बांटेंगे। बता दें जिस साहू गैस एजेंसी पर पीएम उज्ज्वला योजना में फर्जीवाड़ा करने के आरोप लग रहे हैं ये वही एजेंसी है जिसके खिलाफ वर्ष 2022 में भी पीएम उज्ज्वला में फर्जीवाड़ा किए जाने को लेकर खाद्य विभाग के अधिकारियों ने FIR दर्ज कराई थी। खरगैना गांव में पीएम उज्ज्वला योजना में फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद कलेक्टर विकास मिश्रा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जाँच के बाद उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया है, सुनिए। योजना के हितग्राही हैं खरगैना गांव के, करीब 40 से 50 ऐसे हितग्राही हैं जो फिजिकल हितग्राही हैं लेकिन हाँ ये विषय हमारे पास नॉलेज में है पूर्व से, पुराने करट साहब के टाइम पे इसमें FIR भी हो चुकी है, तो हम लोग ये तथ्य जरूर चेक करा रहे हैं कि FIR के बाद क्या कार्रवाई हुई है, और अगर इसमें अभी भी वही तथ्य सेम है तो फिर अगली विधिक कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। डिंडोरी से सीनियर संवाददाता दीपक नामदेव की रिपोर्ट। जाहिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को चूल्हे के धुएं से मुक्ति दिलाने के लिए पीएम उज्ज्वला योजना शुरू की थी, खासकर ग्रामीण महिलाओं को इसका लाभ मिल सके, लेकिन भ्रष्टाचार की काली नजर ने उन्हें भी नहीं छोड़ा।
आलम यह है कि महिलाएं अपना हक पाने के लिए दर दर भटक रही हैं और प्रशासन से कार्यवाही की मांग कर रही हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।